नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल IAS एनालिसिस में। घटना चक्र पुरोलोकन की सभी विषयों को बारी बारी से कंप्लीट कराई जा रही है। आज इसी कड़ी में बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत चैप्टर नंबर 21 के बारे में, जिसका नाम है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही कारण है कि UPSC और कई सारे स्टेट PCS को मिलाते हुए यहाँ से अब तक 20 के आसपास प्रश्न पूछे जा चुके हैं, और इन्हीं सारे प्रश्नों को हम लोग कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट के माध्यम से पूरा पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज का पहला प्रश्न है, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे, कहाँ पे यह अधिवेशन आयोजित किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है यहाँ पर, जिसका नाम है लखनऊ। तो टाइम पीरियड की बात करें हम लोग, तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा 30 से 31 दिसंबर के आसपास लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा भी, इसके अलावा मुस्लिम लीग के द्वारा भी अपना अपना अधिवेशन यहाँ पे आयोजन किया गया था। यहाँ पे अध्यक्षता को लेकर सवाल पूछ लिया जाता है, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो अध्यक्षता की गई थी अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा, वहीं यहाँ पर मुस्लिम लीग की जो अध्यक्षता की गई थी मुहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। दोनों का नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों में देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों के फलस्वरूप, एक ही मंच पे इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग को यहाँ पे लाया गया था, और मुस्लिम लीग का जो पृथक निर्वाचन प्रणाली को 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा अपना लिया गया था। इसके अलावा इसमें एक और ख़ास बात थी कि जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में, खासकर जो नरम दल गरम दल के बीच जो बचे हुए थे, तो इसमें देखेंगे तो बाल गंगाधर तिलक ऑलरेडी शामिल हो चुके थे। तो यहाँ पे आप एक भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नरम दल और गरम दल दोनों का यहाँ पर मिलन हो गया। तो इसीलिए 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन काफ़ी ख़ास है, क्योंकि एक ही मंच से देखेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ में आ जाएंगे, और इसके साथ साथ नरम दल और गरम दल भी साथ में आ जाएंगे। लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक का, जो कि पूरे के पूरे अधिवेशन का देखा जाए यहाँ पे जो नेतृत्व किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही यहाँ पे किया गया था। और इसमें जो भी यहाँ पे साइन वगैरह, जो भी यहाँ पे ऑफिशियली जो भी साइन जो हुआ था, वो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में ही यहाँ पे किया गया था। अर्थात आप यूँ कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के तरफ से ऑफिशियली जो साइन किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, और मुस्लिम लीग के तरफ से यहाँ पे देखा जाए तो मुहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। काफ़ी सारे स्टूडेंट में कन्फ्यूजन होता है, चूँकि अध्यक्षता जो की गई है अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा, तो लगता है कि इनके द्वारा साइन किया गया था, लेकिन ये गलत है। नेतृत्व यहाँ पर पूरी तरीके से बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही किया गया था। अब यहीं से शुरू हो जाएगा यहाँ पे होम रूल लीग आंदोलन तिलक के नेतृत्व में, इसके अलावा एनी बेसेंट के नेतृत्व में। दूसरा प्रश्न है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? अब काफ़ी आसान सा प्रश्न हो जाएगा, नाम हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। इस प्रश्न को काफ़ी बार पूछा जा चुका है, चाहे हम लोग UPPCS की बात कर ले, BPSC की बात कर ले। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था, कब हस्ताक्षर किया गया था? तो 1916 में ही यह हस्ताक्षर किया गया था। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, प्रमुख शिल्पी के रूप में अगर आप लोग देखेंगे तो काफ़ी जो फेमस नाम है एनी बेसेंट, ध्यान रखिएगा यहाँ पर एनी बेसेंट के नेतृत्व में ही यहाँ पे किया गया था। क्योंकि अतिवादियों के तरफ यहाँ पे देखा जाए तो तिलक का नाम आ जाएगा, लाल बाल पाल सब है यहाँ पे, वहीं उदारवादियों की तरफ देखा जाए तो जो भी नरम दल के जो नेता लोग यहाँ पे मौजूद है, तो दोनों को जो मिलाने का जो काम किया गया था यहाँ पे एनी बेसेंट के द्वारा ही यहाँ पे किया गया था, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 1907 में सूरत अधिवेशन में जो विभाजन हुआ था कांग्रेस में, पुनः 1916 तक आते आते दोनों में गठजोड़ हो गया, और इस गठजोड़ के पीछे बहुत सारा कारण है। सबसे बड़ा कारण यहाँ पे देखा जाए तो
एनी बसेंट को यहाँ पे माना जाता है, जिन्होंने मिलाने का कार्य किया। अन्य कार्डों में देखा जाए तो बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ पे हुई थी, खासकर देखा जाए तो अंग्रेज़ों के द्वारा गरम दल के प्रति जो सख्त रवैया अपनाया जा रहा था, गरम दल के नेता काफ़ी ही एक तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए थे। ऑलरेडी पिछले क्लास में आपको बताया हुआ था कि लॉर्ड हार्डिंग कांड यहाँ पर हो चुका था, तो काफ़ी सारी एक्टिविटी देखेंगे तो एक साथ चल रही थी। यहाँ पर ज़रूरत थी एक साथ यूनाइट होने की, और इस यूनाइटेड में या फिर इस यूनिफिकेशन में देखा जाए तो एनी बेसेंट का रोल काफ़ी अहम माना जाता है। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, और इसके साथ साथ जैसे ही यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक आएंगे तो देखेंगे तो फिर उनके नेतृत्व में ही एक तरीके से देखा जाए तो मुस्लिम लीग भी यहाँ पे सामने आता हुआ आपको दिखाई देगा। मुस्लिम लीग की जो भी मांगे हुई, बहुत सारी मांगों की इसमें मांग भी मतलब मान भी लिया जाता है। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था, किसने समझौता कराया था? अब यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। वर्ष 1916 में कह रहा है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था, तो आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस के जो विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल, थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन है यहाँ पे, इन दोनों को यहाँ पे एक छत्र में एक छाते के अंतर्गत जो लाया गया था एनी बेसेंट के द्वारा लाया गया था, लेकिन मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य जो समझौता कराया गया था, चूँकि कांग्रेस है और यहाँ पे एक तरफ मुस्लिम लीग है, इन दोनों के बीच जो समझौता कराया गया था ये बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कराया गया था। तो दोनों ही प्रश्न अलग अलग है, कितने बार स्टूडेंट को लगता है कि जल्दबाजी में टिक करके आ गए, और ऑप्शन में देखिए कई बार दिया भी रहता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पे अगर आपको पढ़ने में थोड़ा बहुत भी गड़बड़ लगेगा तो आप सील लगा के आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नीचे एनी बेसेंट का भी नाम दिया गया है, इसीलिए आपको बी केयरफुल रहना एग्जाम हॉल में। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? दूरगामी लॉन्ग टर्म जो इफेक्टिव था, जो इफेक्ट करने वाला था, वैसा इसमें से कौन सा निर्णय लिया गया था? मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर ली गई थी। पहला ऑप्शन देखेंगे तो बिल्कुल ही सही प्रतीत होता है, क्योंकि ये वही चीज़ है ना, जैसे कि अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दे के बात करूँ, कोई भी जो अधिकार है ना, कोई भी यहाँ पे राइट्स है, एक बार अगर आप किसी को भी दे देते हैं, आप किसी भी संदर्भ में इसको लागू कर सकते हैं, अगर एक बार देने के बाद अगर आप उसको लेंगे या फिर उसे हटाने का प्रयास करेंगे तो उसको लगेगा कि ये छीना जा रहा है हमसे, और फाइनली वो रिटेलिएट करेगा, विद्रोह करेगा, क्रांति करेगा। ये हर एक सेंस में इसको लिया जाना चाहिए, और यही हुआ मुस्लिम लीग के साथ, क्योंकि उस समय जो पृथक निर्वाचन जो प्रणाली थी, जो कि मार्ले मिट्टो सुधार के माध्यम से 1909 में यहाँ पर दिया गया था, 1909 में जो दिया गया था कांग्रेस इसको मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फाइनली 1916 में कांग्रेस ने इसको यहाँ पे मान लिया। अब आगे चल के ये भी एक बहुत बड़ी समस्या का यहाँ पे कारण था, अब एक कम्युनिटी को, एक कम्युनिटी अर्थात मुस्लिमों को दिया गया था, आगे चल के अम्बेडकर भी देखेंगे तो खासकर गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भी अपनी मांग को रख दिया, तो वहाँ पे भी अंग्रेज़ों के द्वारा पृथक निर्वाचन को देने में कोई कोताही नहीं बरती गई, लेकिन फाइनली पूना पैक्ट वगैरह का मामला आएगा। तो ये चीज़ें आपको समझना है यहाँ पे, और आगे चल के मुस्लिम लीग के द्वारा भी अपनी मांगों को बढ़ाने का प्रयास किया गया, न सिर्फ पृथक निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पे, बल्कि देखेंगे तो 19 सूत्रीय यहाँ पे मांग भी रखा जाएगा, जिसमें केंद्रीय विधानसभा में यहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे भी 1/3 सीटों की यहाँ पे मांग की जा रही थी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मांग की जा रही थी। बाकी का स्टेटमेंट सही हो जाएगा, पहला तो सही है ही, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अस्थाई विलय हुआ, बिल्कुल ये भी सही है, कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया, ये हालांकि पूरी तरीके से सही नहीं होगा, कांग्रेस का अध्यक्ष देखा जाए तो आरसी मजूमदार के द्वारा यहाँ पे किया गया था, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो बी भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जो दूरगामी परिणाम वाला निर्णय था ये यहाँ पर बिल्कुल सही प्रतीत होता है।
कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की वह वर्ष था, कब यहाँ पे स्वीकार किया गया था? तो आसान सा प्रश्न हो जाएगा, 1916 में ही यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा स्वीकार किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? लंबे समय तक देखेंगे तो जो मतैक्य का काल था, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, इस तरह के प्रश्नों को आपको डील करने के लिए थोड़ा बहुत पढ़ने की ज़रूरत होती है। देखा जाए यहाँ पे तो देखिए 1906 में मुस्लिम लीग की यहाँ पे स्थापना हो चुकी थी, और 1906 से लेकर 1916 के बीच देखा जाए तो ऐसे ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एक तरीके से मनमुटाव का दौर ही यहाँ पे चल रहा था। लेकिन इतने लंबे समय तक मनमुटाव का दौर चलने के बाद 1916 में जब यहाँ पे लखनऊ समझौता को अपनाया गया, एक ही मंच पे दोनों को यहाँ पे लाया गया, तो देखेंगे तो असहयोग आंदोलन तक 1921-22 तक ऐसा नहीं था कि सारे जो मामले थे यहाँ पे ठीक हो गए थे। भले ही खिलाफत के मुद्दा में ये लोग साथ आए, असहयोग आंदोलन में साथ देने के लिए आए, लेकिन जैसे ही उनका मामला रिजॉल्व हो गया वे असहयोग आंदोलन से भी करते चले गए। तो 1916 से लेकर 1922 का जो टाइम पीरियड ऐसा है जो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, एकदम देख रहे हैं ना यहाँ पे मतैक्य का काल, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा 1916 से लेकर 1922 के बीच। चूँकि लखनऊ समझौता केवल एक अस्थाई समझौता था और मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा विचारधारा के स्तर पे, एक्टिविटी के स्तर पे, ताकि वह मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करते रहे, और वर्ष 1922 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे। किंतु असहयोग आंदोलन के साथ देखेंगे तो यह समझौता भी पूरी तरीके से भंग हो चुका था। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन काफ़ी एक बेहतर ऑप्शन दिखाई दे रहा है 1916 से लेके 1922 तक। निम्न में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? एग्जाम में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है सत्य असत्य है। देखिए जब भी आप एग्जाम में गोला भरते हैं ना, तो कोशिश कीजिए कि 10-10 का आप लोग सेट बना लीजिए, ठीक है। लगभग सपोज करिए कि अगर UPSC के दे रहे हैं तो 100 क्वेश्चन होगा, वैसे ही अगर BPSC दे रहे हैं तो 150, BPCS दे रहे हैं तो 150, अपने अपने स्टेट PCS के अकॉर्डिंग। तो 10 का सेट बना के अगर आप गोला भरेंगे तो आपका माइंड भी शांत रहेगा, समय भी मैनेज करने में आसानी रहेगा। अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि लगता है कि असत्य है, तुरंत टिक कर दिया कोई भी ABCD और गोला भर देंगे। ऐसी गलती करने से आपको बचना चाहिए, 10 या 20 का सेट बना लीजिए, उसमें से जितना भी आपको सही लगता है। सपोज करिए कि अगर 10 का सेट बनाया, ज़रूरी नहीं एक से 10 तक आपने सबका टिक किया ही होगा, जिसको भी टिक किया है, हो सकता है कि 10 का सेट बनाया, 5 ही टिक किया है, तो 5 को आप लोग गोला भर लीजिए, उस समय सेफ एंड सिक्योर रहेंगे, टाइम मैनेजमेंट भी काफ़ी बेटर होता है। निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के विषय में यहाँ पे असत्य पूछ रहा है, असत्य है यहाँ पे। अंबिका चरण मजुमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। देखिए कांग्रेस के तरफ से जो अधिवेशन की अध्यक्षता जो की गई थी अंबिका चरण मजुमदार के द्वारा ही की गई थी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन विल बी ए। इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ, नरमपंथी गरमपंथी जो भी थे। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए। देखिए 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन, ये इसीलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 1885 में आपको समझने की कोशिश करना है, 1885 से लेकर 1916 तक देखेंगे तो कांग्रेस में जितनी भीड़ यहाँ पे होनी चाहिए उतने बड़े मात्रा में भीड़ नहीं आया था, थोड़ी बहुत भीड़ जुट भी रही थी। तो 1907 का जो विभाजन हुआ, खासकर इसमें जो दो अलग अलग विचारधाराएं थी, एक नरमपंथी के रूप में, गरमपंथी के रूप में, नरमपंथी लोगों में देखा जाए तो हाईली इंटेलेक्चुअल लोग थे, अमीर लोग थे, जमींदार लोग भी शामिल थे, इसीलिए कांग्रेस में कई बार ये आरोप भी लगता रहा है कि कांग्रेस अमीरों की पार्टी है। लेकिन गरम दल के जो नेता उसमें जुड़े काफ़ी ग्राउंड लेवल का, जो कि अमूल चूक परिवर्तन की बात करते थे, और ये सारी जो बातें हैं ना, बहुत जो ऊपर के इंटेलेक्चुअल लोग हैं इतनी जल्दी वे एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए उनका जो जुड़ाव है ज़मीनी स्तर पे देखेंगे तो बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। ये चीज़ें आज भी आपको लागू करने की ज़रूरत होती है।
इसीलिए देखेंगे तो 1916 में एक मास लेवल पे भीड़ इकट्ठा करने के लिए इसमें एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया था कि भारत के किसानों को इसमें आमंत्रित किया गया था। ध्यान रखिएगा, भारत के किसानों को आमंत्रित किया गया था और उसमें एक बिहार भी था। अब इसी बिहार में देखेंगे तो मौका मिल गया था यहाँ पे राजकुमार शुक्ल को, राजकुमार शुक्ल को, जो कि यहाँ पे गांधी से मिलने का मौका मिला। और फिर राजकुमार शुक्ल के द्वारा यहाँ पे नीलों की जो भी नीति थी, खासकर किसानों के लिए जो काफ़ी अहितकर थी, उसको ये उठाने में कामयाब रहे। इनका सपोर्ट यहाँ पे किया गया था, एक वकील का नाम है, ध्यान रखिएगा, एक वकील का नाम है ब्रज किशोर प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद। और ब्रज किशोर प्रसाद की जो पुत्री थी, फाइनली देखेंगे तो जयप्रकाश नारायण से जिनकी शादी हुई थी। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? अब ऐसे आसान सा प्रश्न हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916 में ही यो मौका मिला था राजकुमार शुक्ल को। 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? 1916 का देखिए जो लखनऊ जो समझौता किया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, काफ़ी एक बेटर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और देखते चलिए आप लोग, और यहाँ पे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। क्योंकि 1916 में ही देखेंगे तो लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया हुआ था, जिसको लखनऊ संधि के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। समझौते ने नरमपंथियों और चरमपंथियों को, और साथ में देखेंगे तो जो मुस्लिम लीग को, एक मंच प्रदान करने का यहाँ पे अवसर दिया। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो समझौता हुआ था, जैसे कि पृथक निर्वाचन को अपना लिया गया था, जो कि मुस्लिमों की यहाँ पे डिमांड थी। इसके अलावा देखेंगे तो विधानमंडल में अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के महत्व और आरक्षण व्यवस्था को भी यहाँ पे स्वीकार किया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच समझौतों के लिए यहाँ पे जाना जाता है? अब पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे, सॉरी, 12 नंबर का जो प्रश्न है, 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच समझौतों के लिए जाना जाता है? अभी 11 नंबर था ना, हाँ, इसको देखिए, 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। और जस्ट यहाँ पे जो 12 नंबर का जो सवाल है, इसको देखिए कि 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच समझौतों के लिए यहाँ पे जाना जाता है। अब वैसे में देखेंगे तो ऑप्शन को देख के ही आपको सही करना होगा। युद्ध के बाद भारत में स्वशासन की मांग पर मुस्लिम लीग और अंग्रेज, कांग्रेस और मुस्लिम लीग पृथक निर्वाचन क्षेत्र पे, तो ये देखिए कितना एक बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग निर्वाचन क्षेत्र पे, इसीलिए तो ये जाना जाता है ना यहाँ पे, जो कि आगे लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी देखा जाए तो खराब साबित हुआ। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? अब यहाँ पे देखिए माइक्रो लेवल का सवाल पूछ लिया गया कि हस्ताक्षर किए गए थे, तो पहले नंबर सवाल पे ही मैंने बताया हुआ था कि जब भी हस्ताक्षर वगैरह लीडरशिप की बात आए तो कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर तिलक, और यहाँ पे मुस्लिमों की तरफ से, मुस्लिम लीग की तरफ से हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, राइट ऑप्शन विल भी यहाँ पे हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच। इस समझौते के परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग के नेता भारतीय स्वतंत्रता की मांग करते हुए कांग्रेस के आंदोलन में शामिल होने के लिए भी सहमत हुए, और लखनऊ समझौते को भी हिंदू मुस्लिम की, या फिर हिंदू मुस्लिम एकता की एक आशा की किरण के रूप में भी यहाँ पे देखा गया कि दोनों कम्युनिटी यहाँ पे मिल गई, तो आगे चल के यहाँ पे बेहतर एक अपॉर्चुनिटी है अंग्रेज़ों को खदेड़ने का। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, फाइनली असहयोग आंदोलन के समाप्ति के पश्चात फिर टिट फॉर टैट ही रहा दोनों के विचारधारा को लेके। लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर करते समय भारत का वायसराय कौन था? अब देखिए कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया, मतलब लाया गया था। और मॉन्टेस्क्यू देखिए भारत सचिव था, और चेम्सफोर्ड जो था यहाँ पे ध्यान रखिएगा वो वायस राय था, तो उस समय वो बन चुका था वायस राय। इसीलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर विल बी बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ध्यान रखिएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही था, और कांग्रेस की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजुमदार के द्वारा ही यहाँ पे की गई थी। इस सत्र के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया हुआ था। सरोजनी नायडू ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत सूत्रधार या शीर्षक के रूप में भी प्रस्तुत किया था, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है सरोजनी नायडू के द्वारा। ऐसे ही बहुत सारे आपको कोट्स कोटेशन देखने के लिए मिल जाएंगे जो आजकल स्टेट पीसीएस भी इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। किसने लखनऊ समझौते के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1934 के बाद मुस्लिम लीग को पुनर्गठित किया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन खान, अब्दुल गफ्फार खान, मुहम्मद अली जिन्ना। तो ये भी आसान सा प्रश्न है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, मुहम्मद अली जिन्ना। यहाँ पे देख पा रहे हैं किसने लखनऊ समझौते के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो किसने निभाया हुआ था, मुहम्मद अली जिन्ना ने ही निभाया था। और 1934 के बाद मुस्लिम लीग को क्या किया, पुनर्गठित किया, अर्थात देखा जाए तो और एक तरीके से मजबूत किया। तो यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना का जो जन्म हुआ था देखिए 1876 में कराची में हुआ था, और देखा जाए तो वह पाकिस्तान के पहले गवर्नर भी बने मोहम्मद अली जिन्ना। वर्ष 1916 में लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया हुआ था? गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, रास बिहारी बोस। अब यहाँ पे देखिए 1916 में लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? अब यहाँ पे अंबिका चरण मजूमदार नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, जो कि दिसंबर 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता, ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ था पहले। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नेतृत्व जो किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ये अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन नेतृत्व साइन सब जो किया गया था यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। लखनऊ संधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस पर वर्ष 1916 में हस्ताक्षर किया गया था, बिल्कुल ही करेक्ट है यहाँ पे, हस्ताक्षर जो किया गया था बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच ही किया गया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस के नरमपंथी तथा गर्मपंथी गुटों के बीच हस्ताक्षर किए गए, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे एक और दो दोनों, ध्यान रखिएगा एक और दो दोनों। 1916 के लखनऊ समझौते ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों, कट्टरपंथियों और डैश डैश के लिए संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था। तो इसमें कौन कौन था, नरमपंथी, कट्टरपंथी, देखा जाए तो एक कांग्रेस के ही पहले से मौजूद मेंबर के रूप में मौजूद थे जो कि 1916 में फिर से मिल गए। और इसमें एक जो नया जो मंच प्रदान किया गया था मुस्लिम लीग को ही यहाँ पे प्रदान किया गया था, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। लखनऊ संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है यह एमके गांधी, मतलब महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुए समझौते को संदर्भित करता है। तो देखिए ये तो समझौता 1931 के आसपास हुआ था ना, ये जो समझौता था देखा जाए तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के पहले, खासकर गांधी इरविन समझौते के नाम से हम लोग जिसे जानते हैं, 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और उस समय जो वायस राय था इरविन, दोनों के बीच यहाँ पे किया गया था। तो लखनऊ संधि के संदर्भ में ये गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट सही है लेकिन जो प्रश्न के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता एमसी या फिर ठीक है अंबिका चरण मजूमदार ही होगा, बिल्कुल सही है, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे दिया है कि कौन सा कथन सही है, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, केएम
केवल और केवल यहाँ पे ध्यान रखिएगा दो, केवल और केवल दो। इसमें मुस्लिम लीग के द्वारा जो मांग रखी गई थी, मैंने आपको शुरू में बताया हुआ था कि केंद्रीय विधानसभा के कुल सदस्यों में से कितना, एक तिहाई, ध्यान रखिएगा एक तिहाई सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मुस्लिम ही होंगे। इसके अलावा कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने सरकार से आम मुद्दों की मांग करके अपने साठ गांठ को भी मजबूत करने का प्रयास किया हुआ था, और मुस्लिम लीग ने 1916 में ही यहाँ पे देखा जाए तो स्वराज के विचार को भी अडॉप्ट किया हुआ था। तो बहुत सारे छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, देखिए एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है और मैंने कोशिश किया है उन सारी चीज़ों को शामिल करने की। तो लगभग 19 सवाल को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कल हम लोग 22 नंबर टॉपिक कंप्लीट करेंगे, और इन्वायरमेंट की सीरीज़ में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, इसी वीक में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा इन्वायरमेंट का भी, उसे भी हम लोग कंटिन्यू रूप से कंप्लीट करते चलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।